हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल सेशन भारत की नदियों में आज हम बात करेंगे चिनाब नदी की। इससे पहले हमने बात की रावी नदी की। हम आपको बता दें, चिनाब नदी भारत पाकिस्तान से होकर बहने वाली एक प्रमुख नदी है और पंजाब क्षेत्र की पांच प्रमुख नदियों में से एक है। इसका उद्गम भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति जिले में ऊपरी हिमालय के बारालाचा ला दर्रे के पास से होता है। इसके बाद चिनाब नदी जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर बहती हुई पाकिस्तान के पंजाब मैदान में प्रवेश करती है और आगे चलकर सतलुज नदी से सतलुज नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति जिले के तांडी में दो नदियां चंद्र व भागा के संगम से बनती है। भागा नदी सूर्याताल झील से निकलती है जो हिमाचल प्रदेश में बारालाचा ला दर्रे के पास स्थित है। वही चंद्र नदी का उद्गम बारालाचा ला दर्रे चंद्रताल के पास के पूर्व में ग्लेशियरों से होता है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा, चिनाब नदी किन दो प्रमुख नदियों से मिलकर बनती है? आपका आंसर होगा भागा नदी और चंद्र नदी। चिनाब नदी का उद्गम स्थान क्या है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति। चिनाब नदी उसके बाद किस राज्य में आती है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर से उसके बाद चली जाती है पाकिस्तान में और जाके आगे मिल जाती है सतलुज नदी में। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।